हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल श्रद्धाज हेल्थ अफेयर। फ्रेंड्स, जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है और बाहर से हम कुछ नहीं ला सकते हैं, तो ऐसे में अगर घर में मीठा खाने का मन हो तो आप इस तरह से देखिए, घर में ही बहुत ही टेस्टी और लजीज बालूशाही बना सकते हैं। और इसे बनाने में सिर्फ 3 चीज़ें आपको चाहिए, मैदा, घी और चीनी, दैट्स इट। इन 3 चीज़ों से, और ये देखिए, आप बिल्कुल इसी तरह की बाहर से बिल्कुल क्रिस्प और अंदर से बिल्कुल रसीली जूसी बालूशाही घर में ही बना सकते हैं। तो बहुत ही जल्दी से तैयार हो जाती हैं, कोई मेहनत नहीं है। तो बालूशाही बनाने के लिए देखिए, मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिया है 1/2 कप घी। अब यहाँ पर मेरे पास कमेंट बॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, हम ऑयल यूज़ कर सकते हैं, हम बटर यूज़ कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर देती हूँ। अंदर जो मैदे में हम अंदर मोयन देंगे वो आप घी का ही दीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। यहाँ पे जो रेशियो मैं दे रही हूँ, लगभग 1 किलो बालूशाही तैयार होंगी आपकी, तो उसमें आपको सिर्फ 1/2 कप घी चाहिए। तो 1/2 कप घी में यहाँ 2.5 कप मैदा लिया है मैंने, तो 2.5 कप ग्राम्स में बताऊँ तो लगभग 350 ग्राम मैदा है और 1/2 कप घी है लगभग 100 ग्राम। और ये देखिए, यहाँ पे लिया मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर मैंने लेवल करके लिया है चम्मच में। और ये है बेकिंग सोडा, तो ये 1/4 वाली जो चम्मच होती है उसमें देखिए मैंने बिल्कुल थोड़ी सी, 1/8 से भी कम, लगभग 1 चुटकी ये लिया बेकिंग सोडा, जो खाने का सोडा होता है ये वही सोडा है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चुटकी नमक और इन सारी चीज़ों को पहले हम चम्मच से अच्छे से मिक्स करेंगे और स्ट्रेनर के सहायता से हम इसे छान कर उस घी में डाल लेंगे। तो यहाँ पे ये स्टेप करना ज़रूरी है, आप इसे स्किप बिल्कुल ना करें, इससे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगी और अगर बाई चांस मैदे में कोई गंदगी है तो वो निकल जाएगी। अब घी के साथ मैदे को बहुत अच्छे से हमें मिक्स करना है, तो देखिए मैं यहाँ पे स्पून से कर रही हूँ। यहाँ पर जो मेन जो मेथड है बालूशाही बनाने का वो यही है कि आपको आटा बहुत ध्यान से लगाना है। आप नॉर्मल जैसे रोटी पराठे का लगाते हैं, ये आटा वैसे नहीं लगता है। अगर आप हलवाई जैसी बालूशाही घर में बनाना चाहते हैं तो ये जो मेथड मैं आपको पूरा आटा लगाने का दिखा रही हूँ ये बहुत ध्यान से देखिए। अब देखिए, घी को मैं मैदे के साथ बहुत अच्छे से रब कर रही हूँ ताकि मैं हर पूरे मैदे में हर जगह घी अच्छे से अंदर तक पहुँच जाए। तो ये देखिए, जो रेशियो है इसका भी बहुत ध्यान रखना है, इसीलिए मैं ग्राम्स में और कप से दोनों तरह से बता रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मेजरिंग कप हो, आप कोई नॉर्मल घर की कटोरी से भी मेज़र कर सकते हैं। अब देखिए, बहुत अच्छे से ये मिक्स हो चुका है हाथों में, इस तरह से मुट्ठी बना के देख लीजिए, मुट्ठी बननी चाहिए। अब जो हमें आटा लगाना है, आप ध्यान दीजिए मैं कैसे लगा रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा आटे को भींच नहीं रही हूँ, बहुत ज़्यादा दबा नहीं रही हूँ, सिर्फ फिंगर्स से हमें उसको मिक्स करना है। तो अब यहाँ पानी लिया है मैंने 1/2 कप, ये देखिए वापस मैंने 1/2 कप में डाल के दिखाया आपको। किसी कटोरी, जिससे आपने मैदा नापी है उसी कटोरी से आप 1/2 कप पानी ले लें। अब देखिए, 1/2 कप में से आधा मैंने यानी 1/4 कप डाला पानी और इस तरह से इसको मिक्स किया। ये आपको सारा काम इसी तरह से फिंगर्स से करना है, जैसे आप रोटी का आटा या पराठे का आटा लगाते हो चिकना करके, बिल्कुल दम लगा के, बिल्कुल नहीं ऐसे करना। सिंपल आपको हाथों से बिल्कुल नहीं लगाना है, सिर्फ फिंगर्स से आपको इसको मिक्स करना है। यानी जो ये जो हमारा मैदा है ना, इसे हमें बांधने की कोशिश करनी है, सिर्फ जोड़ने की कोशिश करनी है, इसको चिकना नहीं करना है। ये देखिए, ये तैयार भी हो गया, इस तरह से ये जुड़ने लगा है। और ये देखिए, पूरा 1/2 कप पानी हमारा इसमें लग जाएगा। बिल्कुल जो मेजरमेंट मैं बता रही हूँ आप फॉलो करें, एकदम एग्जैक्टली हलवाई जैसी बालूशाही आपकी तैयार होगी। और जो हलवाई होते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है वो अमोनिया या अलग तरह का केमिकल वगैरह डालते हैं ताकि उनको घी कम लगे और उनकी जो बालूशाही है वो फ्लेकी बने कम घी डालकर। तो जब हम घर में बना रहे हैं तो हम क्यों केमिकल्स का यूज़ करें। थोड़ा सा घी डालिए अच्छे से, जब आप घर में बच्चों के लिए बना रहे हैं तो घी तो अच्छा होता है खाना, तो अंदर आप घी, देसी घी डालिए, जो तलने का काम है वो हम इसको ऑयल में कर लेंगे। तो ये देखिए, आटा हमारा, आपने देखा मैंने मेथड पूरा दिखाया आपको बिना स्किप किए, इस तरह से आटा लगाना है, सिर्फ हमने जोड़ा है इसे और बहुत ज़्यादा इसको हाथों से प्रेशर नहीं दिया है।
अब देखिए आटा लगने के बाद आप देख रहे हैं इस तरह से फटा फटा होना चाहिए। अब 3 से 4 बार हम आटे को इस तरह से आपस में तोड़ेंगे और उसी में मिक्स करेंगे, तोड़ेंगे मिक्स करेंगे, इसको इस तरह से डिवाइड करें और उसमें मिक्स करते जाएं। तो ये देखिए बिल्कुल यही मेथड आप फॉलो करिए। अब ये 4-5 बार मैंने इस तरह से कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, वापस से इसे इस तरह से हल्के हाथों से मिक्स किया मैंने, पूरे आटे को जोड़ दिया और इसे अब हम ढक के लगभग 15 मिनट का रेस्ट देंगे। तो जब तक 15 मिनट हमारा ये रेस्ट करता है तब तक हम अपनी चाशनी तैयार कर लेंगे। अब आप आटा पास से देख लीजिए, बिल्कुल इसी तरह से फ्लेकी आटा आपको लगाना है। तो आटा हम रख देते हैं और बनाते हैं चाशनी। तो चाशनी के लिए मैंने सेम उसी कप से 1 कप पानी लिया है और 1.5 कप चीनी ली है। ग्राम्स में बताऊं तो लगभग 270 से 280 ग्राम या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा थोड़ी बहुत आप चीनी कर सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका है, घर में जो भी आपके पास कप है या कटोरी है, कोई ग्लास है, आप एक मेजरमेंट बना लें और उसी से सारी चीज़ें नापते चलें। अब देखिए ये लगभग 5 मिनट मैंने लगातार चलाते हुए उबाली है मीडियम फ्लेम पर और ये देखिए चाशनी गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। अब चाशनी की पहचान आप कैसे करेंगे, ये भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो देखिए जब आप इस तरह से चमचे से गिराएंगे ना, जब आपकी चाशनी रुक रुक के गिरे तो समझ लीजिए चाशनी तैयार होने वाली है। ये देखिए हाथों में मैंने लिया, जैसे आपका शहद का टेक्सचर होता है चिपचिपा, बिल्कुल उसी तरह से हो जाएगी ये लगभग 7 से 8 मिनट में। अब मैंने गैस बिल्कुल सिम कर दिया है, इसमें डाला है मैंने चुटकी भर केसरिया कलर, जो पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, थोड़े से केसर के धागे, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल ऑप्शनल हैं। आप चाहें, मैंने यहाँ केसर का फ्लेवर दिया, आप चाहें तो इलायची पीस के भी डाल सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मैंने लिया है 1/8 टीस्पून यानी 1/4 का भी आधा साइट्रिक एसिड, जिसे नींबू का सत भी कहते हैं। अगर आपके पास ये अवेलेबल घर में इस समय नहीं है तो आप 2 टीस्पून नींबू का रस इसमें डाल दीजिए। नींबू का रस डालते समय आपको ध्यान रखना है गैस बंद कर देनी है, उसके बाद नींबू का रस मिलाना है। यहाँ पे मैंने साइट्रिक एसिड डाल दिया है और उसके बाद मैंने गैस बंद कर दी है। चाशनी देखिए मेरी तैयार हो चुकी है। अब इस चाशनी को हम एक तरफ रख देते हैं और ये देखिए 15 मिनट बाद मेरा आटा ये थोड़ा सा फूल जाता है क्योंकि हमने बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा इसमें डाला है। और ये देखिए आटे का टेक्सचर मैं बहुत क्लोजअप करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह का हमें आटा अपना लगाना है। तो वापस सेम मेथड में फॉलो कर रही हूँ, हम इस तरह से आटे को डिवाइड करेंगे और आपस में जोड़ देंगे। अब क्या करना है हमें कि हमारी बालूशाही बहुत फ्लेकी बने, बिल्कुल मार्केट जैसी बने। तो देखिए कुछ नहीं बेलन लेना, कुछ नहीं करना, सिर्फ आप इस तरह से देखिए आटा कितना सॉफ्ट लगा है कि मैं हाथों से प्रेस कर रही हूँ और इस तरह से फैल जा रहा है, बिल्कुल ऐसा ही आटा होना चाहिए। आटे को मैंने फैलाया, एक आप चाकू भी ले सकते हो, इस तरह से उसको कट करें 4 पार्ट में और एक के ऊपर एक रखते जाएं। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। तो ये जो मेथड मैं आपको दिखा रही हूँ ये आपको 4 बार करना है। देखिए इस तरह से फैलाया, आप 4 पार्ट कर सकते हो, आप 6 पार्ट कर सकते हो, आपने ज़्यादा मैदा लगाई है तो आप ये प्रोसीजर आप 2 से 3 बार में भी कर सकते हो। ये देखिए इस तरह से किया। अब मैं एक बार टेक्सचर दिखाती हूँ, आप पास से देखिए, आप देख रहे हैं ये जैसे ब्रेड होती है ना, जैसे ब्रेड के अलग अलग आपको छेद दिखाई देते हैं, बिल्कुल उसी तरह से फ्लेक्स बने हैं इसमें। तो ये देखिए इस तरह से, जैसा ये जो प्रोसीजर मैंने दिखाया है ये टोटल आप 4 बार कम से कम कर लीजिए। फ्रेंड्स बालूशाही बनाने में बहुत ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है, बस टिप्स और ट्रिक्स पता होने चाहिए। अगर आटा अच्छा नहीं लगेगा तो या तो आपकी बालूशाही टाइट हो जाएंगी, अगर आपने आटा ज़रा भी टाइट लगाया तो आपकी बालूशाही हार्ड हो जाएंगी। अगर आपने इस तरह से जो ये मैं स्टेप्स बता रही हूँ ये आपने कम किया या नहीं किया तो आपकी बालूशाही में अंदर फ्लेक्स नहीं आएंगे, जो होता है ना परतें बन जाती हैं वो नहीं आएंगे। अगर आपने आटा मुलायम कर दिया तो तलते समय तो आपकी बालूशाही अच्छी रहेंगी, करारी रहेंगी, पर जब आप उसे शुगर सिरप में डालोगे तो वो बिल्कुल जैसे होता है ना सॉफ्ट हो जाना, बिल्कुल उस तरह से हो जाए।
जाएंगी। तो जो भी चीजें मैंने बताई हैं उनका ध्यान रखें। अब देखिए, ये मैंने स्टेप चार बार कर लिया, उसके बाद अब मैंने यहाँ पर वापस से फैलाया है और इसके छोटे छोटे पीस कट कर लिए हैं। इससे मैं लोइयां बनाऊंगी। आप चाहो तो सिंपल हाथ से, जैसे पूड़ी के लिए बनाते हो आप, सिंपल हाथ से लोई तोड़ सकते हो, पर मैं मैदे को बहुत ज़्यादा हैंडल नहीं करती हूँ, इसी तरह से करती हूँ, हाथ कम से कम लगे मेरे उसमें। तो ये देखिए, एक पार्ट मैं बना के देख रही हूँ, अगर साइज सही लगेगा तो मैं इसी नाप से बाकी की लोइयां कट करूंगी। अब बनाने का तरीका देखिए, दोनों पाम यानी हथेलियों के बीच में रगड़ के आपको इस तरह से करना है। जो इसके एजेस है ना, ये देखिए, क्योंकि इतने ज्यादा फ्लेक्स बन चुके हैं, आपको लगेगा कि ये खुल रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि ये जितना पार्ट है ये खुला वाला, ये सेंटर में आए। अब इसके बीच में हमें होल करना है। तो यहाँ पे देखिए, अदरक कूटने वाली जो होती है वो मैंने ली है, क्योंकि मेरा बेलन का, अगर आपके पास पतला वाला बेलन है तो आप उसके बैक साइड से कर सकते हो, और आप चाहो तो सिंपल अंगूठे से भी कर सकते हो। तो ये साइज मुझे परफेक्ट लग रहा है, तो इसी नाप से मैं सारी बालूशाही अपनी बनानी शुरू कर देती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से बनाएंगे हम। अब अगर आप बेलन से या इस तरह से नहीं करना चाहते हैं तो आप इस तरह से अपने अंगूठे से भी इसमें होल कर सकते हो। होल बिल्कुल आर पार होना चाहिए। होल अगर आप थोड़ा छोटा करेंगे ना, तो होता क्या है, तलते समय जब ये फूलेंगी तो वो छेद बंद हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि या तो आप बेलन के पीछे वाले हिस्से से कर लें, या कोई भी ऐसी गोल पाइप हो आपके पास छोटी सी, उससे भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने आपको अंगूठे से भी करके दिखा दिया, आप चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हैं, मगर ध्यान रखें कि ये इस तरह से होल आर पार होना चाहिए। तो सारी बालूशाहियां बनाते जाएं और उसे ढक के यानी कवर करके रखें ताकि वो सूखे नहीं। तो यहाँ पर ये देखिए, सारी इस तरह से रेडी हो गई हैं। अब आता है पार्ट तलने का। तो यहाँ पर अब आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या आपको ध्यान देना है। यहाँ पे ऑयल मैंने जो गर्म होने रखा है वो बिल्कुल जो मेरी गैस का लोएस्ट पॉइंट यानी बिल्कुल स्लो वाला जो है नॉब, वहाँ पर मैंने कर रखा है। इसको बिल्कुल धीमी आँच पर रखा हुआ है। और इस ऑयल में मैंने डाल दिया 2 चम्मच देसी घी। तो जिन लोगों की क्वेरीज आती हैं, हम तेल यूज़ कर सकते हैं, हम ऑयल यूज़ कर सकते हैं, देखिए मिठाई बनाने में वैसे तो घी का यूज़ करना चाहिए, पर अगर आप ऑयल यूज़ करना चाहते हैं तो रिफाइंड ऑयल यूज़ करें जिसमें कम से कम महक हो, और उस महक को दबाने के लिए आप इस तरह से 2 चम्मच देसी घी उसमें ऐड कर दें। अब यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा मैंने लिया है, देखिए उसका मैदे का, और इसमें डाल के देखा तो देखिए बिल्कुल छोटे छोटे बबल आ रहे हैं, और ये जो गोली है तुरंत ऊपर आ गई, तो इसका मतलब घी हमारा तैयार है। अब मैंने गैस बंद कर दी है क्योंकि मुझे लग रहा है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना हो जाए, तो मैंने यहाँ पे गैस इस समय बंद कर दी है और इस तरह से एक एक करके बालूशाही डाल रही हूँ। अब आप देख रहे हैं बालूशाही जो मैंने डाल दी है, वहाँ पर ध्यान दीजिए, इस तरह से देखिए सफ़ेद सफ़ेद से बबल आ रहे हैं, और अभी आप देखिएगा पूरा झाग से भर जाएगा। अब मैंने गैस ये देखिए जला दी है, आधी बालूशाही मैंने इस समय डाल दी है इसमें, और गैस मैंने जला के बिल्कुल लोएस्ट यानी स्लो वाले पॉइंट पे कर दी है। अब यहाँ पे ये देखिए, आप गैस का फ्लेम देख सकते हो, बिल्कुल स्लो कर रखा है मैंने, और कोशिश करें कि कढ़ाई में जितनी आ जाए बालूशाही एक बार में डाल दें। और लगभग 4 मिनट लगभग हो चुके हैं, आप देख सकते हो बालूशाही थोड़ा थोड़ा फूलनी शुरू हो गई हैं, झाग थोड़े से कम हो गए हैं, किनारे आने शुरू हो गए हैं एक्चुअली झाग सारे, और धीरे धीरे करके झाग अब ये ख़त्म होने शुरू हो गए हैं। तो लगभग 5 से 6 मिनट लगे हैं अभी मुझे बिल्कुल धीमी आँच पे इसे पकाते हुए। और आप साइज़ देखिए बालूशाही का, जो साइज़ एक्चुअल में मैंने बनाया था उससे काफ़ी फूल चुकी हैं। गैस बिल्कुल सिम कर रखी है मैंने अभी भी। अब मैं नीचे का हिस्सा चेक करूंगी, अगर वो थोड़ा सा क्रिस्प हो गया है, थोड़ा सा उसमें बेस आ गया है, तो मैं अब इसे पलट दूंगी, फिर मैं आपको एग्जैक्ट टाइम बताती हूं कि कितनी देर में मैंने इसे पलटा है। तो यहां पलटने के लिए देखिए कुछ इस तरह का पतला मेरे पास ये वुडन एक स्पून है, उसका बैक साइड यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो नाइफ ले सकते हो, या जो स्पून होती है उसका पीछे का हिस्सा यूज़ कर सकते हो। तो देखिए ये पीछे का हिस्सा मेरा सिक चुका है, आप देख रहे हैं क्रस्ट आ गया है इसके ऊपर हल्का सा। तो यहाँ पर अब मैं इस एक एक करके सारी बालूशाही को आराम आराम से पलट रही हूँ। ये बहुत डेलिकेट है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, तो इसलिए पलटते समय ध्यान रखें कि ये टूटे नहीं। तो इसीलिए मैंने पलटने के लिए चमचा यूज़ नहीं किया है, कोई पोनिया यूज़ नहीं किया है, सिंपल एक एक बालूशाही को इस तरह से हम पलट देंगे। अब आप देखिए झाग बनने फिर से शुरू हो गए, क्योंकि ऊपर का हिस्सा कच्चा था, जब हम उसे पलटेंगे तो इस तरह से वापस से झाग आएंगे।
अब लगभग 2 से 3 मिनट हुए हैं और इसे मैं एक बार और पलट रही हूँ क्योंकि हमें इसमें कलर देना है, तो गैस मैंने मीडियम कर दी है। और दोस्तों ये देखिए साइज़ देख रहे हैं आप, जितना साइज़ से उससे 3 गुना बड़ा हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब मैं सिर्फ कलर दे रही हूँ इसमें क्योंकि सिक चुकी हैं बहुत अच्छे से, लगभग 8 मिनट हो गए हैं धीमी आंच पे पकते हुए और मैंने गैस हल्की सी मीडियम कर दी है ताकि इसमें गोल्डन कलर आ जाए। और देख सकते हैं आप झाग बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं और बालूशाही हमारी बहुत क्रिस्प हो चुकी हैं, अच्छे से सिक चुकी हैं। तो मैं इसे अब निकालूंगी और इसे डायरेक्ट हमें चाशनी में डालना है। अब जो ध्यान रखना है आपको वो क्या रखना है, चाशनी हमारी टेम्परेचर कैसा है, क्योंकि मैंने चाशनी बिल्कुल अभी तैयार की है तो मेरी चाशनी वार्म है। अगर आपकी चाशनी पहले से बनी हुई है तो आपको उसे गैस जला के थोड़ा सा गर्म करना है। टेम्परेचर चाशनी का ना तो बिल्कुल ठंडा होना चाहिए ना ही उबलता हुआ होना चाहिए, वार्म होना चाहिए, गर्म होना चाहिए इतना कि आप उसमें अगर उंगली डाल रहे हैं तो आपकी उंगली वो बर्दाश्त कर पा रही है, गर्माहट आ रही है पर उंगली वो बर्दाश्त कर पा रही है। ये सब चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है। ऐसा क्यों, देखिए अगर ठंडी होगी चाशनी तो चाशनी बालूशाही की ऊपरी परत तो गर्म है, वो ऊपरी परत पे तो आपकी चाशनी की मिठास आ जाएगी पर अंदर तक नहीं सोख हो पाएगी। और अगर चाशनी बहुत ज़्यादा गर्म है तो जब आप इसमें बालूशाही डालोगे थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि वो खुल जाएंगी, फैस जाएंगी, जिसको बोलते हैं ना बिखर जाना, तो मुलायम हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चाशनी का टेम्परेचर भी आपको ध्यान रखना है। अब डालने के बाद इसे 2 मिनट हम इसी साइड पर रखेंगे और इस तरह से चमचे से देखिए मैं पूरे चाशनी में ऊपर की तरफ भी डाल रही हूँ। टोटल हम इसे 4 मिनट इस चाशनी में रखना है, 2 मिनट एक साइड, फिर हम इसे पलटेंगे और 2 मिनट दूसरे साइड। तो जब तक हमारी दूसरी वाली बैच तल रही है तो मैं इस तरह से चाशनी को इसके ऊपर पोर कर रही हूँ। जो दूसरा बैच चल रहा है वहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, अपनी निगाह एक तरफ रखनी है कि वो गैस पे बिल्कुल धीमी आंच पे ही सिकनी चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स 2 मिनट हो चुके हैं और ये इस तरह से अब मैं ये पलट दूंगी और पलटने के बाद वापस से 2 मिनट हम इसी चाशनी में इसको पड़ा रहने देंगे। तो ये देखिए ये 4 मिनट, लगभग 4 से 5 मिनट, बस इससे ज़्यादा बिल्कुल ना रखें आप, 5 मिनट से ज़्यादा बस बहुत है। और ये इतनी फ्लेकी हैं कि ये अंदर तक जूसी हो चुकी हैं, अभी मैं आपको खोल के भी दिखाऊंगी कि कितनी सॉफ्ट बनी है। तो सारी चाशनी को हम इस तरह से स्ट्रेनर में निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा चाशनी जो है वो निकल जाए। और इधर लगभग 5 मिनट हो चुके हैं इसे सीखते हुए, तो अब हम अपनी बालूशाही को इस तरह से पलट देंगे तो ये दूसरा बैच भी हम उसी तरह से तल के और इसको चाशनी में डाल देंगे। चाशनी अगर ठंडी हो जाए तो आप उसको गैस जला के 30 से 40 सेकेंड उसको हल्का सा वार्म कर लें। तो देखिए बालूशाही हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब इसे थोड़ा सा हलवाई वाला लुक देने के लिए मेरे पास है ये पिस्ते की कतरन, तो मैं यहाँ पे थोड़े से पिस्ते लगा रही हूँ। और साथ में मेरे पास है, क्योंकि अब हम बाजार जैसा लुक देने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे पास है सिल्वर वर्क। अगर आपके पास नहीं है तो आप अवॉइड कर सकते हैं, अगर है तो लगा दीजिए, अच्छा लगता है, क्वालिटी अच्छी वाली लीजिए इसकी। और ये देखिए तैयार हो गई हमारी रस से भरी हुई बालूशाही, और आप यकीन मानिए ये इतनी टेस्टी बनती हैं कि जब आप बनाएंगे ना तो ये बिल्कुल बचेंगी नहीं, ये सब ख़त्म हो जाएंगी। अब एक बार मैं तोड़ के दिखा देती हूँ, ये देखिए है ना फ्रेंड्स, बिल्कुल जूसी और अंदर तक बिल्कुल, देखिए आप देख रहे हैं चाशनी बिल्कुल अंदर तक, मैं कैमरा कोशिश कर रही हूँ आपको दिखाई दे। तो ये बहुत ही टेस्टी बनती हैं, बहुत ही रसीली बनती हैं, और थोड़ी सी बस मुश्किल से मुझे आधा 40 मिनट्स लगे होंगे, ये 1 किलो बालूशाही मेरी बनके तैयार हो गई है। सबसे अच्छी बात बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, फटाफट से बस 2 से 3 चीज़ों से आप ये बालूशाही आराम से घर में बना सकते हैं और आराम से आप इसे 15 डे स्टोर भी कर सकते हैं।